हेलो दोस्तों, मैं हूं वैभव और आप देख रहे हैं बिट्स फॉर बायोलॉजी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म कुछ दोनों की कॉम्पेरेटिव स्टडीज शुरू में करते हैं तो आपको काफी अच्छे से समझ में आएगा। पहली चीज है जिम्नोस्पर्म। तो स्पर्म का मतलब सीड होता है, जिम्नो का मतलब नेक्ड होता है। दोनों में सीड प्रेजेंट होंगे, चाहे एनजीओ को ले लो आप चाहे जिम्नो को ले लो। इसमें आपको नेकेड सीड देखने को मिलेगा और इसमें जो कवरिंग होगी सीड की, और आपने देखा होगा जो एंजियोस्पर्म होते हैं वो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, दुनिया में हर जगह वो होते हैं। लेकिन जो जिम्नोस्पर्म होते हैं इनका नैरो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जनरली आपको हिमालयन रीजन में देखने को ये मिलेगा। तो ये आपने देखा जिम्नो और एनजीओ के बीच कुछ कंपैरेटिव स्टडी। अगर इसकी बात करें तो फर्स्ट सीडेड प्लांट है ये नेचर के। सीड होती है अनकवर्ड, फ्रूट होते नहीं, फ्लावर होते नहीं। तो ये बातें थी जिम्नोस्पर्म के बारे में। जिम्नोस्पर्म के बारे में कुछ और चीजें, स्पर्मेटोफाइटा बोलते हैं सीडेड प्लांट्स, क्योंकि नेचर के फर्स्ट सीडेड प्लांट यही थे। स्मॉलेस्ट ग्रुप है किसी भी प्लांट डाइवर्सिटी की। तो आगे बात करें तो मीडियम साइज्ड के ये ट्रीज होते हैं, इनमें टॉल कुछ होते हैं और कुछ श्रब्स वगैरह इसमें प्रेजेंट होते हैं। जहां तक सेक्विया की बात करते हैं, जो रेडवुड ट्री है, सबसे टॉलेस्ट और जायंट वो होता है। तो ये याद रखें, जीके टाइप के क्वेश्चन एम्स में पूछे जा सकते हैं सेक्विया। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्लांट बॉडी, तो प्लांट बॉडी जो अगर मेन प्लांट बॉडी देखें तो वो स्पोरोफाइट होता है, मीन्स डिप्लॉइड। अभी तक आपने देखा सिर्फ ब्रायोफाइट में जो मेन प्लांट बॉडी है वो गैमेटोफाइट है, और आगे जो होती है वो स्पोरोफाइट इसमें देखने को मिलता है। अगर इसमें हम प्लांट बॉडी के तीन पार्ट्स, रूट्स, स्टेम्स और लीफ, तो रूट अगर देखें तो रूट अगर साइकस में देखें तो टैप रूट और कोरलॉइड रूट दोनों इसमें प्रेजेंट होते हैं। कोरलॉइड रूट और प्लस ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल एनाबेना, ये दोनों मिलकर नाइट्रोजन फिक्सेशन यहाँ पे इसके रूट्स के साथ करते हैं। और यहाँ पे एक माइक्रोराइजा आपने पढ़ा ही था, माइकोमिस फंजाई और राइजा मिस रूट्स, तो कोरलॉइड रूट्स प्लस ब्लू ग्रीन एल्गी वगैरह ये होते हैं। और जहां तक रूट फंजाई की बात है तो यहाँ पे पाइनस ये करता है, पाइनस के जो रूट्स होते हैं वो यहाँ पे साथ में रहते हैं फंजाई के साथ और यहाँ पे अपना वो काम चलाते हैं। नेक्स्ट अगर रूट की बात करें तो टैप रूट सिस्टम ही आपको जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर स्टेम की बात करें तो एक अनब्रांच्ड होता है और एक ब्रांच्ड होता है। अनब्रांच्ड होता है साइकस का, इंपॉर्टेंट है, ब्रांच्ड होता है पाइनस का, ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों चीजें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट अगर लीफ की बात करें तो सिंपल लीफ भी होते हैं और कंपाउंड लीफ भी होते हैं। कंपाउंड में आपने पाल्मेटली और पिनेटली पढ़ा होगा, तो पिनेटली आपको देखने को मिलेगा साइकस में, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो जेरोफाइटिक प्लांट्स होते हैं तो उनके जो जेरोफाइटिक कैरेक्टर्स देख रहे हैं, जो जेरोफाइटिक प्लांट्स होते हैं वो फिजिकली और फिजियोलॉजिकली ड्राई होते हैं। अगर ये माउंटेन है, माउंटेन के ऊपर ये कॉनिफर्स हैं, तो कॉनिफर्स में जब भी रेनफॉल होगी तो इससे कुछ उनका असर नहीं पड़ता। उनके निडिल लाइक लीफ होते हैं, सुई की तरह के उनके पत्ते होते हैं, उनके क्यूटिकल जो होते हैं वो ठीक होते हैं। संकीर्ण स्टोमेटा होती है, संकीर्ण स्टोमेटा मीन्स डीप स्टोमेटा। ये सब जो कुछ कैरेक्टर्स लिए गए ये वाटर लॉस को रिड्यूस करने के लिए कैरेक्टर थे। नेक्स्ट अगर हम इसके आगे अगर बात करें तो इसके बाद आती है लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल में खास क्या है कि एक प्लांट बॉडी है, प्लांट बॉडी डिप्लॉयड है, मीन्स स्पोरोफाइटिक है। स्पोरोफाइटिक के बाद हेट्रोस्पोरस है। आपने देखा कि जितने भी टेरिडोफाइट्स थे तो टेरिडोफाइट्स में कुछ मेजोरिटी जो थी तो मेजोरिटी आपको देखने को मिला था होमोस्पोरस, और इसमें जो मिलेगा आपको हेट्रोस्पोरस देखने को मिलेगा। उसमें भी आपने सिलाजिनेला, सेल्विनिया वगैरह देखा था। तो इसमें डायोसियस, ये मेल भी होते हैं और फीमेल भी होते हैं। तो मेल प्लांट को मेल कौन बोल रहे हैं, फीमेल प्लांट को फीमेल कौन बोल रहे हैं, ठीक। अगर आगे हम इसकी बात करें तो आगे इसमें माइक्रोस्पोरोफिलस मिलेगा और इसमें मेगा। सिर्फ इसका आपको अपोजिट करता जाना है, बस आप इसका होते चला जाएगा ये पूरा साइकिल कंप्लीट। ये माइक्रोस्पोरेंजियम तो इधर मेगास्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोर तो मेगास्पोर। यहाँ पे मियोसिस हुई थी माइक्रोस्पोर मदर सेल में, तो यहाँ पर मेगास्पोर मदर सेल में। यहाँ पे डिप्लॉइड होगा, वहां भी डिप्लॉइड होगा, तो माइक्रोस्पोर यहाँ पे हैप्लॉइड है। इंडोस्पोरिक जर्मिनेशन, तो यहाँ पे भी जर्मिनेट ही होगा वो। नेक्स्ट है मेल गैमेटोफाइट जो कि 5 से 6 यहाँ बनते हैं, और यहाँ जो मेगास्पोर्स का आपका फॉर्मेशन हुआ था वो टोटल 4 बने थे। कुछ कुछ ये जो है नंबर वो डिजिट्स वाले वो याद रखने हैं आपको। यहाँ पे मेल गैमेटोफाइट तो यहाँ पे फीमेल गैमेटोफाइट, यहाँ पे पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हुआ तो यहाँ पे आपको आर्किगोनिया का फॉर्मेशन होगा, जो 2 या 2 से ज्यादा हो सकते हैं। नेक्स्ट है मेल गैमेट्स, मेल गैमेट्स यहाँ पर फीमेल गैमेट्स का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा, जो कि 1 का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। कुछ और बात करें कि मेल गैमेट्स है जो कि नॉन मोटाइल है। नॉन मोटाइल क्यों है, क्योंकि जो हायर जिम्नोस्पर्म होते हैं उनमें नॉन मोटाइल गैमेट्स पाए जाते हैं और एंजियोस्पर्म में, और पहले हमने देखा कि मोटाइल गैमेट्स। नॉन मोटाइल क्यों है, क्योंकि यहाँ से पॉलन ट्यूब का भी, पॉलन ट्यूब की शुरुआत स्टार्ट हो गई थी, पहले पॉलन ट्यूब आई देन मोटेलिटी खत्म हुई।
नेक्स्ट दोनों मिलते हैं तो फर्टिलाइज होते हैं, फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट 2n, इसमें माइटोसिस होगा तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा, नेक्स्ट इसमें सीड का फॉर्मेशन होगा, फिर से स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी यहाँ पे बन जाएगी जो कि डिप्लॉयड होती है। कुछ चीजें जो हैप्लॉयड लेवल पे चल रही हैं, कुछ डिप्लॉयड लेवल पे चल रही हैं, आपको यहाँ पे ध्यान देना है। ये जो होती है मेगास्पोर्स, मेगास्पोर्स के पास न्यूशेलस होता है, न्यूशेलस यहाँ पे खास है, तो न्यूशेलस जो होता है वो उसको प्रोटेक्शन देता है, तो वो डिप्लॉयड लेवल पे होता है। इंटेग्यूमेंट्स भी जो उसके पास है वो डिप्लॉयड लेवल पे होते हैं। आप तो सिर्फ ये याद रखो जो यहाँ पे चार मेगास्पोर्स बने थे तो चार मेगास्पोर्स में से तीन डिजेनरेट कर गए थे, सिर्फ एक फंक्शनल मेगास्पोर बचा था जो आगे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करता है, उसमें फिर आगे साइटोकाइनेसिस होगी, फिर आगे जाकर वो फॉर्मेशन होगा, आगे जाकर जायगोट वगैरह बनाएगा। तो आप इतना याद कर लो, इससे काम आपका चल जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें, तो इसमें कुछ खास बात जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछी जाती है, पूछा जाएगा मोनोसियस कौन सा है, पाइनस, साइकस, इस सब आपको ऑप्शन में मिलेंगे। तो पाइनस मोनोइशियस होता है और जो साइकस होता है वो डायोइशियस होता है। नेक्स्ट अगर बात करें एग्जांपल इसके जिम्नोस्पर्म के, साइकस, पाइनस, गिंगो, सेड्रस, जिनेटल्स। जिनेटल्स आपको याद रखना है तो रख सकते हो क्योंकि ये मोस्ट एडवांस जिम्नोस्पर्म होते हैं, इसलिए मैंने कहीं एग्जाम में आया हो तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। नेक्स्ट है सेड्रस, इसको देवदार बोलते हैं। गिंगो क्या होता है, एक लिविंग फॉसिल है जो कि कनेक्टिंग लिंक होता है साइकस और पाइनस के बीच, ये आप याद रख सकते हो। अब आ रही है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हर साल लगभग क्वेश्चन के रूप में आती है, नेक्स्ट ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स। आपने ऊपर मैंने बताया था कि जो इंडिपेंडेंट होते हैं ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स के, जो मेल और फीमेल गैमेटोफाइट्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी पर डिपेंडेंसी नहीं होती है उनकी। नेक्स्ट अगर जिम्नो और एनजीओ की बात करें तो इनका फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं होता, मीन्स किसी पर डिपेंडेंट होते हैं, इनका एग्जिस्टेंस आप नेचर में कभी अकेले नहीं देखोगे, ये हमेशा मेल और फीमेल गैमेटोफाइट एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। तो ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट अगर आपको इसका एग्जाम्पल याद रहेगा तब तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। आप देखोगे पिछले साल के क्वेश्चन तो इसमें एग्जाम्पल डायरेक्ट पूछे जाते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन ये होता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो इसमें आपने देखा एंथ्रेडिया देखने को नहीं मिला होगा, तो यहाँ पर लास्ट ग्रुप हैविंग एंथ्रेडिया जो कि टेरिडोफाइटा में मिला, और लास्ट ग्रुप हैविंग आर्किगोनिया जो कि जिम्नोस्पर्म में देखने को मिला। गैमेटोफाइट्स आपने, मैंने पहले ही बताया था पिछले लेशन में कि धीरे धीरे वो रिड्यूस होता चला जाएगा, जो लिलियम वाली मैंने एग्जाम्पल बताई थी ब्रायोफाइट्स में, तो आपको एंजियोस्पर्म में सबसे कम मिलता है, सबसे रिड्यूस्ड मिलता है गैमेटोफाइट जो कि 3 सेल तक होते हैं। आगे अगर हम देखें ये चार्ट, अभी हमारा चार्ट जिम्नोस्पर्म तक ही कंप्लीट हुआ। अगर हम बात करें ब्रायोटेरिडो हमने देख लिया है, जिम्नोस्पर्म कुछ खास चीजें यहाँ से आएंगी वो देखेंगे। नेचर ऑफ स्पोर्स अगर देखें तो हेट्रोस्पोरस होते हैं। वैस्कुलर टिश्यू की बात करें तो इसमें प्रेजेंट होता है, वैस्कुलर टिश्यू में जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट ट्रू रूट स्टेम स्लीव्स की बात करें तो जी हाँ ये सब मौजूद है। डोमिनेंट फेज स्पोरोफाइट ही अब चलेगा, ये आपने देखा तीनों में। वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, जी नहीं है वाटर की जरूरत नहीं रहे। नेक्स्ट सीड और कवरिंग, तो सीड होते हैं नेकेड होते हैं विदाउट कवरिंग के होते हैं, फ्लावर्स इसमें मौजूद है नहीं। प्लॉयडी लेबल डिप्लॉयड है क्योंकि ये स्पोरोफाइट होते हैं। नेक्स्ट फ्लावर्स और कोन्स में कोन मौजूद होते हैं, उसमें आप उसमें देखोगे कहीं स्ट्रोबलिस लिखा है कहीं कोन लिखा है, तो आप चीजें पे गौर करोगे। नॉर्मोटाइल क्यों हुआ, क्योंकि पॉलन ट्यूब आना स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म तो जनरली आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट क्लास 12th में पढ़नी है, तो यहाँ पे कुछ चीजें दे रखी है उसको मैं अगले लेशन में डील करूंगा, फिर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी उसमें ही, तो फिर ये हमारा विलेशन खत्म हो जाएगा, फिर हम इसकी क्विक रिवीजन देखेंगे। अब कुछ इसके डायग्राम देखते हैं। ये हमारा पहला जो डायग्राम है ये साइकस का है, साइकस है, साइकस मैंने आपको पहले ही बताया कि डायोसियस होते हैं, और जो पाइनस होता है पाइनस ही आपका मोनोसियस है। पाइनस मोनोसियस पी से आप याद रख सकते हैं, पीएम जो पीएम है वो मोनोसियस है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ये हमारा लास्ट गिंगो, गिंगो बायलोबा ये पूरा नाम होता है, तो इसमें आप लेबलिंग याद रखेंगे ड्वार्फ है और नीचे लॉन्ग, ये वाला जो पार्ट है लॉन्ग है और ऊपर का जो पार्ट है ये ड्वार्फ है, और आपको ये सीड्स दिख ही रहे हैं। तो ये चीजें आपकी जिम्नोस्पर्म की है। तो ये हमारा ये लेशन यहीं पे एंड हुआ। अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिए, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।